आज देखिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर हजारों क्रॉफिश पहुंच जाती हैं पानी से प्लेट तक। दंखल कर्मी के ग्लव तेज लपटों को भी सह सकते हैं। और एक सदियों पुराने तरीके से बर्तनों को बनाया जाता है बेहद मजबूत। क्रॉफिश, मीठे पानी में रहने वाली लॉबस्टर की रिश्तेदार, जो खाने में उतनी ही मजेदार होती है। सिर्फ लुइजियाना में ही अमेरिका की 90% से ज्यादा क्रॉफिश का उत्पादन होता है। हर साल यहाँ से 5 करोड़ किलो से ज्यादा क्रॉफिश पकड़ी जाती हैं, जिनकी कीमत $30 करोड़ से ज्यादा होती है। लुइजियाना के लोगों को क्रॉफिश इतनी पसंद है कि क्रॉफिश को स्टेट का मैस्कट बना देना चाहिए। क्या यह सचमुच हो सकता है? इन्हें मड बग्स, क्रेफिश और क्रॉडैड्स भी कहते हैं, और इन क्रॉफिश का व्यवसाय बहुत बड़ा है। Do they do it? Louisiana, USA. Alligators, jazz music, और क्रॉफिश की धरती। ये मजेदार क्रॉफिश मीठे पानी के सोतों, दलदलों और धान के खेतों में पाए जाते हैं। ये लॉबस्टर से ज्यादा नर्म होते हैं और इन्हें उबालकर सूप बनाया जाता है, और इनसे बिस्क्स और गम्बोज भी बनते हैं, और प्रोटीन से भरे मांस को पूंछ की तरफ से खींचा जाता है। अमेरिका के मूल निवासी इन्हें खाते थे, यहाँ तक कि एल्विस ने तो क्रॉफिश पर एक गाना भी गाया है। हम अक्सर मानते हैं कि फार्म में गायें ही पाली जाती हैं, लेकिन लुइजियाना की लाल स्वाम्प क्रॉफिश को पालना बहुत आसान है, क्योंकि क्रॉफिश कुछ भी खा लेती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अगर इंसान का एक बच्चा क्रॉफिश की रफ्तार से बढ़े तो वो सिर्फ 3 महीने में जिराफ जितना लंबा हो जाएगा। लुइजियाना क्रॉफिश कंपनी अमेरिका में क्रॉफिश की सबसे बड़ी उत्पादक है। डेविड मैग्रो ने 1983 में क्रॉफिश का अपना पहला तालाब बनाया था, और 2 साल बाद इनका ये खानदानी व्यवसाय शुरू हो गया। क्रॉफिश मेरी जिंदगी है। हम सोते जागते और सांस लेते वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, और साल का ये वक्त सबसे अच्छा समय होता है। बसंत का मौसम क्रॉफिश पकड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नर मादा की तलाश में बहुत दूर दूर तक जाते हैं और वो काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं। वो एक मादा की तलाश में 10 मील तक, यानी कि तकरीबन 17 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। 300 किलोमीटर या 200 मील का सफर तय करना, वो भी पैदल, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। आज गुड फ्राइडे है और सुबह के 8:30 बजे हैं। ये ईस्टर के पहले का शुक्रवार है। अभी लुइजियाना में इनकी काफी मांग है, क्योंकि इन छुट्टियों पर लोग एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, मैं वो बोरियां ले आता हूँ, तब तक तुम वहाँ किनारे पर उन्हें देखो। सपाट तले वाले लोहे के जाल में मछलियों का चारा लगाया जाता है और फिर यहाँ खोदे गए तालाबों में डाल दिया जाता है। इन 3 फनल्स के जरिए क्रॉफिश अंदर तो चली जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। अब डेविड अपने दामाद जस्टिन के साथ शाम होने से पहले यहाँ लगाए गए 9,000 जालों को खाली कर लेना चाहते हैं। क्रॉफिश इस फार्म के छिछले तालाबों में बहुत अच्छी तरह से बढ़ती हैं, और यहाँ कीचड़ में मिलने वाले पौधे, कीड़े मकौड़े, छोटी मछलियाँ और लार्वा खाती हैं। यहाँ के घुटनों तक गहरे पानी में काफी पौधे हैं जो एक नाव के प्रोपेलर को रोक सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक खास नाव बनाई है। इसके अलग किस्म के हाइड्रोलिक पहिए कीचड़ के अंदर धंस जाते हैं और इन मछलियों को छिछले पानी में बिल्कुल सही रफ्तार पर आगे आगे धकेलते हैं, जिससे जस्टिन को अपने जाल निकालने, खाली करने और उनमें फिर से चारा लगाने का वक्त मिल जाता है। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये हर बार बड़ी संख्या में ही मिलेंगी। ठंड के मौसम में क्रॉफिश कम सक्रिय होती है, इसीलिए वो तारों के जालों में भी कम फंसती है। लेकिन आज तो इनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन आप अपनी नाव को चलाते हुए इन जालों को कैसे निकाल लेते हैं? इसका जवाब भी है इसके अनूठे पिछले पहिए। इसे हाइड्रोलिक की मदद से अपने पैरों से चलाया जा सकता है, इसीलिए जस्टिन के हाथ जाल निकालने के लिए खाली होते हैं। छिछला पानी क्रॉफिश के लिए तो अच्छा है ही, जस्टिन के लिए भी अच्छा है। ये अपने हाथ बढ़ाकर जाल को बाहर निकाल लेते हैं और फिर क्रॉफिश को निकाल लेते हैं। इसके बाद ये चारा लेते हैं, जाल में लगाते हैं और फिर जाल को पानी में डाल देते हैं। ये सब सिर्फ 10 सेकंड में कर लेते हैं। इसके बाद अगले जाल की बारी आती है। हम बोट को अपने पैरों से चलाते हैं, इससे हमारे हाथ खाली रहते हैं, और हम जाल को खाली करके उनमें फिर से
चारा लगा देते हैं। ये सारे काम एक साथ ही कर लेते हैं। पीक सीजन में ये हर रोज करीब 9000 जाल खाली करके उनमें नया चारा लगा देते हैं। वाह क्या बात है। बड़ी संख्या में इन्हें पकड़ने के लिए ये हर 6 से 10 मीटर की दूरी पर जाल लगाते हैं और जस्टिन को हर 20 से 30 सेकंड पर वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। इस बीच डेविड इन क्रॉफिश को उनके आकार के हिसाब से छांट लेते हैं। अब तो हमें इस बात की आदत भी हो गई है कि पानी में एक जाल लगाने के बाद हमें अगले को खाली करने की तैयारी करनी होती है। इस 400 हेक्टेयर के फार्म में कुल 18 तालाब हैं। हर तालाब में करीब 500 जाल लगाए जाते हैं और पीक सीजन में हर जाल में करीब 2 किलो क्रॉफिश फंस जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ सबसे बड़ी वाली ही निकालते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी सबसे ज्यादा कीमत मिलती है। क्रॉफिश अपने ही भाई बंधुओं को खा जाती है। अगर इन्हें तालाब में छोड़ दिया तो बड़ी क्रॉफिश छोटी क्रॉफिश को खा जाएगी। छोटी क्रॉफिश को भूसे पानी में छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही आकार की खाने लायक क्रॉफिश है। जल्दी ही इनकी नाव में क्रॉफिश भर गई और अब इन्हें यहाँ से निकालना होगा। जब तक इनके गलफड़े गीले रहते हैं क्रॉफिश पानी के बाहर भी सांस ले सकती हैं। ये कई हफ्ते तक ऐसे रह सकती हैं। आज हमें अच्छा खासा शिकार मिला है, अच्छी क्वालिटी का। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साल के समय के हिसाब से इनका एक बैग 75 से 100 डॉलर तक का बिक जाता है। अच्छा दिन था। लेकिन जस्टिन के लिए तो अभी काम शुरू हुआ है। लुइजियाना क्रॉफिश कंपनी, आज ईस्टर वीकेंड है इसलिए काफी बिजी दिन है। हमें आज के लिए अभी भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ईस्टर की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ये सारी क्रॉफिश आज शाम से पहले यहाँ से भेजनी होगी। जस्टिन की पकड़ी क्रॉफिश को एक क्रॉफिश एस्केलेटर पर खाली कर दिया जाता है और उन्हें प्लास्टिक रोलर्स पर भेज दिया जाता है। इनके आकार के हिसाब से इनकी कीमत तय होती है। जितनी बड़ी क्रॉफिश उतनी अच्छी कीमत। इसी वजह से रोलर्स की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। पहले छोटी क्रॉफिश गिरती हैं और सबसे बड़ी वाली कन्वेयर के आखिर में जाकर गिरती हैं। मोटे और मजबूत खोल की वजह से इन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये कंपनी दावा करती है कि ये ग्राहक तक जिंदा क्रॉफिश पहुंचाएगी। इसीलिए तेजी से चलती उंगलियां अपना काम फटाफट निपटाती हैं। क्रॉफिश के 2 बड़े पंजे होते हैं जिनसे वो हमारा खून भी निकाल सकती हैं। इसीलिए ये लोग सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहनते हैं। इन क्रॉफिश को हजारों किलोमीटर दूर भेजना होता है, इसीलिए इन्हें टोकरियों में भरकर ऑक्सीजन वाले पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्रॉफिश एयरेट होती हैं और इन्हें ताकत मिलती है। इनकी उम्र बढ़ जाती है और इनके गलफड़े और आंतों की सफाई भी हो जाती है। कुछ घंटों बाद टोकरियों को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन्हें दोबारा बैग में डाल दिया जाता है और फिर जल्दी से आइस बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। आज यहाँ से 10 ट्रक जाने वाले हैं और इन्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। आज हम करीब 15 टन क्रॉफिश भेजने वाले हैं। इतने क्रॉफिश को अपने ग्राहकों तक भेजने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने भी ये सोचकर अपने ईस्टर वीकेंड का प्लान बनाया है कि उन्हें जिंदा क्रॉफिश मिल जाएंगी और हमने कल उनके घर तक जिंदा क्रॉफिश पहुंचाने की गारंटी दी है। 15 किलो के करीब 2000 बॉक्स आज भेजे जाने हैं और ये इनका आखिरी ट्रक है। सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे पास करीब आधा घंटा बचा है और हमें अपने कुछ आखिरी ऑर्डर्स भेजने हैं। हम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी डब्बों को भी ट्रक में डाल दिया गया और शाम के ठीक 6 बजे आखिरी ट्रक भी यहाँ से निकल गया सही वक्त पर। अब ये ट्रक पूरे अमेरिका में ईस्टर क्रॉफिश बॉयल बनाने की बेहद जरूरी सामग्री पहुँचाएंगे। लेकिन फार्म पर पकड़ी सारी क्रॉफिश भेजी नहीं जाती। जस्टिन ने कुछ क्रॉफिश यहाँ भी रख लिए हैं ताकि यहाँ काम करने वाले लोगों के परिवार वाले ईस्टर की दावत कर सके। हम अपने परिवार के लोगों और दोस्तों का भी ध्यान रखते हैं और लुइजियाना में कहते भी हैं लेजे लमोटो रूले, यानी सबके साथ खुशियाँ मनाओ।